हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है बिल्कुल धांसू तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग साइंस के क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। इकाई नंबर थ्री में हमने जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया और पादप हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छे तरीके से एक एक क्लास में हमने उसको डिस्कस किया है, जिससे कि आपको कोई भी आगे आने वाले कोई भी एग्जाम दें, आप DLED ही नहीं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि पूरे कंटेंट से चैनल पे अवेलेबल हो जाए, जिससे कि वो बच्चे पढ़ पाएँ जो बच्चे कहीं अपने आप को प्रीफर नहीं कर पाते हैं, फीस वगैरह जिनके माता पिता फीस वगैरह नहीं प्रीफर कर पाते हैं उनको, उनके पढ़ाई के लिए। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल यह ना समझें कि अगर हम फिर यूट्यूब से पढ़ेंगे तो हमारे पास अच्छे ज्ञान नहीं होंगे, तो उनका यह भ्रम जो है हम दूर करने के लिए सारे जितने भी कंटेंट हैं हमारे, हमसे जितना हो सकता है हम लोग से, हम लोग उतना कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोग ही हैं कि हमें इस चैनल को मतलब ऊपर तक ले जाएंगे। बस आप लोग की दुआ रहेगी, आप लोग का प्यार रहेगा इसी तरह, तो हम लोग मतलब बढ़ते चलेंगे। जब यह चैनल बढ़ेगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों आगे। आज हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे दोस्तों, जो आपका वही चैप्टर है, इसमें पार्ट 3 इकाई 3 है साइंस का। इसमें हम लोग बात करेंगे जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमने अभी तक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, मतलब अंतर तंत्र के बारे में सारा पढ़ लिया हमने। अंतर तंत्र मतलब कि अंदर के जितने ऑर्गन हैं, जितने भी हमारे कह लीजिए कि ऑर्गन्स वगैरह हैं पादप के और जंतु के, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य अंगों के कार्य, बाह्य अंगों के कार्य और ज्वाइंट मतलब कि संधि कितने होते हैं। जो ज्वाइंट्स होते हैं बेटा, ये पूछा गया आपके सिलेबस में है ज्वाइंट्स। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बोन्स नहीं है सिलेबस में, तो बेटा बोन्स नहीं है तो क्या टेस्ट में बोन्स नहीं आएगा? आ सकता है ना बोन्स टेस्ट में। तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़ लीजिए, जितने ज्ञान दिए जा रहे हैं ना आप ले लीजिए अच्छे से, और गांठ मानकर कहीं एक कोने में रख लीजिए, रख मत लीजिए, उसे दोहराइए, ठीक है बेटा? रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपका जो माइंड में रहे तो तरोताजा होता रहे, है ना। चलिए, कुछ बच्चे हैं बहुत मतलब उनको सिलेबस और सारे जो क्लासेस हैं नहीं मिल रहे हैं, तो हमने बता रखा है कि मैथ का पूरा क्लास खत्म हो चुका है आपका। आएंगे प्लेलिस्ट में लगभग 48 क्लास है मैथ का। आप देखिए, आपका हर संडे टेस्ट का हमने कल ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, हर संडे को 2 घंटे का पूरा टेस्ट होगा आपका। पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम, और अच्छे तरीके से पूरा टेस्ट वगैरह किया जाएगा, सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, और आपका लगभग 10 से हमारा है, देखते हैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है आपका, टेट लेवल तक का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। अब हम बात करते हैं बेटा बाह्य अंगों के कार्य। देखिए, पहली बात तो इसमें आपको जानना होगा मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशीय तंत्र। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, हम बोलेंगे इंग्लिश में लेकिन लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना? लिख भी देंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हैं हिंदी वाले, अधिकतर बच्चे हिंदी वाले ही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा ना, आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा करिए, चाहे जो सब्जेक्ट हो। पहली बात है, लिखिए भले हिंदी में, लेकिन बोलना पढ़ना समझना ये तो अलग बात होती है ना, कम से कम समझ तो सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है? लिखने की बात छोड़ दीजिए, लिखना नहीं है मुझे। अब देखिए, मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशी तंत्र। बेटा पेशी तंत्र क्या होता है? किसी भी शरीर को अगर देखा जाए तो केवल स्केलेटन थोड़े होता है, केवल हड्डियां थोड़े होती हैं, केवल हड्डियां हो जाएंगी तो वही, समझ रहे हैं ना, क्या होगा फिर? वही हॉरर मूवी जो देखते हैं आप, डर जाते हैं सपनों में, तो वही सारी घटनाएं घटने लगेंगी आपके सामने बिल्कुल, है ना। सब लोग उसी तरह हो जाएंगे। वैसे सब लोग की जो अगर अंदर की अस्थि देखा जाए, केवल हड्डी अगर मसल हटा दिया जाए ना, तो जितने भी फीमेल हैं मेल हैं बूढ़े हैं मतलब कि जो भी कलेज, सबका एक तरह सब लोग दिखेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा किसी को, क्योंकि जो मांस होता है ना वो एक रूप होता है, जो ऊपर होता है जो सामने से दिखता है ना वो एक भ्रम होता है, जो अंदर है बेटा वही तो रियलिटी है सबकी, वही सब लोग, वही सबकी रियलिटी है। कह लीजिए एक ना एक दिन सबको उसी के रूप में ढलना है, और जो मसल होता है ऊपर ना वो रियलिटी थोड़े है, वो तो एक तरह से पहचान का तरीका है, और उसी को हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम बेटा। अब देखिए, जितने भी अंग हैं सारे सबकी बात हम करेंगे, जो पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ शरीर के कुल भाग, जितना भी कुल भाग होता है पूरे शरीर का, लगभग 40% भाग, 40% यानी 40% भाग केवल आपके मसल्स होते हैं, मतलब पेशियां होती हैं। पेशियां मतलब मसल, मस्कुलर। अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध, जैसे कि अगर हम बोल लें चलने में फिरने में, जैसे आपका जीभ, जो जीभ है बेटा, जो आपका जीभ है वो क्या है, एक तरह से पूरा मसल है, पूरा मसल सिस्टम है। जो आपका जबड़ा है, जबड़ा जो दांत के ऊपर जो दांत है, दांत जिसमें धंसा हुआ है वो जबड़ा ही तो है, वह देखिए वो एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। आपकी हथेली, पाम, आपकी पाम हो गया, आपके थाई में देख लीजिए, आपके उदर गुहा में देख लीजिए, क्या है, सब मसल हैं, सब मांसपेशियां हैं एक तरह से, और वो जुड़ते हैं किसी न किसी तरीके से। अभी हम बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं मांसपेशियां,
तीनों की भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे अगर बोला जाए बेटा जिन्हें पेशी हम कहते हैं, जैसे कि बोलते हैं हम आपसे पेशी जंतुओं में संकुचन का काम, संकुचन का काम, उत्तेजनशीलता का काम, मतलब कि कंट्रैक्टिलिटी और एक्सटेबिलिटी दोनों जो गुण होते हैं ना यह मसल के कारण ही होता है। किसी भी जंतु के अंतर्गत अगर यह दोनों उत्तेजनशीलता का और संकुचन का जो काम होता है बेटा ये किसके कारण होता है, मसल, मसल के कारण ही होता है, मस्कुलर सिस्टम के कारण ही होता है, ठीक है ना। जैसे आईब्रो है, आईब्रो हम क्या कर रहे हैं बार बार नीचे ऊपर कर रहे हैं, आईब्रो मतलब कि यह वाला पलक, पलक जो आप सामने वाला पलक है, आईब्रो इसकी बात नहीं करें बेटा, ये नीचे वाला जो है इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मसल है मेरा, अभी हम बताएंगे आगे आने वाले में, आगे आने आएगा भी किस प्रकार का मसल है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये चिक है, जो ये नोज है, नोज जो ये हमारा पाम है, ठीक है, ये सब मसल है बेटा, मस्कुलर सिस्टम है पूरा, हर जगह मसल है लेकिन सब अलग अलग टाइप के हैं। अगर हम बात करें पहला, तीन प्रकार के मस्कुलर सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे तीन प्रकार के होते हैं मस्कुलर सिस्टम। पहला लिखिए बेटा कंकाल पेशी, कंकाल पेशी मतलब स्केलेटन मसल। अभी हम आपको तीनों मसल बताने के बाद पूरा बोन बता देंगे, केवल पाँच मिनट में, केवल पाँच मिनट में आपको पूरे शरीर के बोन से याद करवा देंगे हम, बस बोल के याद करवाएंगे, आप लिखिएगा उसे कॉपी पे, क्योंकि उसी से रिलेट करना है हमें, उसी से कोरिलेट करके सारे हमको संधि, मतलब सारे हमको ज्वाइंट बताने हैं आपको आज, और जितने भी आपके कार्य होते हैं बाह्य अंग के वो बताने हैं, ये आपके चैप्टर में है, कह लीजिए। बोन्स तो नहीं है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बोन्स नहीं है तो इसका क्या मतलब, आपका नाम अगर कहीं नहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता है आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाएंगे, नहीं ना, नहीं भूलेंगे ना। तो बस इसी तरह जो जिससे रिलेशन होता है, कोरिलेट होता है, वह चीज़ तो कम से कम याद होना चाहिए, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना है क्योंकि हमें वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ज़्यादा डीपली पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए पहले मांसपेशी की बात करते हैं बेटा, कंकाल पेशी, पहले की बात करते हैं, इसका नाम क्या है, कंकाल पेशी, कंकाल या पेशी होगा बेटा, पेशी नहीं, पेशी, सॉरी इसके लिए गलत लिख दिया गया था, कंकाल पेशी, कंकाल पेशी बेटा, कंकाल पेशी, कंकाल पेशी मतलब स्केल्टन, मतलब कि जो आपका होता है स्केल्टल, स्केल्टल मसल्स, स्केल्टल मसल बेटा यह पहले देख लीजिए, यह रेखित होता है, मतलब एक स्ट्रेट में होता है, स्ट्रिप्ड होता है, ऐच्छिक क्रियाएं इससे हो पाती हैं, ऐच्छिक पेशियां इसे बोलते हैं, जो कंकाल पेशियां होती हैं उसे ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे अगर आपको बोले कि आप अपना हाथ उठाओ, आप न चाहोगे तब आपका हाथ उठेगा, जब आप चाहोगे तभी तो आपका हाथ उठेगा बेटा, तभी तो उठेगा, आप अगर घुटना ऐसे करोगे तभी तो होगा आपका, या जो कोहनी है जब आप ऐसे करोगे तभी होगा, तभी तो होगा, जब आप जिम में बाइसेप ट्राइसेप बनाओगे तभी तो बनेगा, बनेगा तभी ना, जब आप दौड़ना चाहोगे तभी दौड़ पाओगे। जो भी चीज़ है ऐच्छिक जो होती है वो कंकाल पेशी के अंतर्गत आती हैं, जितनी पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, चलना फिरना घूमना ये सारी चीज़ें जो होती हैं जंतु के अंतर्गत बेटा, वो सब कंकाल पेशी के अंतर्गत आती हैं, उसे ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जो होती है वो शरीर के ऑर्गन्स करते हैं हमारे, जैसे कि खाना का पाचन, ठीक है ना, सांस लेना, आप अपनी मर्जी से सांस लेते हो बताओ, नहीं ना, अगर आप एक मिनट सांस रुक के देखिए, आप नहीं चाहोगे ना तब भी आप सांस को तोड़ना पड़ेगा आपको, वो अनैच्छिक क्रिया बेटा, वो लंग्स करता है हमारा, ठीक है, नोजल कैविटी होती है वो चीज़ दूसरा है, वो अनैच्छिक क्रिया, अभी उसके बारे में भी आएंगे हम, अभी आगे आएंगे। अब देखिए ये जंतु जो होते हैं गतिविधियां करते हैं, चलते फिरते हैं, ये सब आ जाता है हमारा कंकाल पेशी के अंतर्गत। इसके सारे तंतु ऐच्छिक तंत्र तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं, जितने भी ऐच्छिक तंत्र होते हैं, जितने भी आपके जैसे कि हाथ में अगर चुभन हो गया, सुई को लाए चुभा दिया हाथ में, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पे नहीं चुभा, यहाँ पे चुभा है, आपको तुरंत पता चलेगा हाँ इसी जगह चुभा हुआ है। जैसे आपको मार दें एक पैर में, मान लीजिए आपके दाहिने पैर में एक डंडे एक गोजी से मारें काफ़ी तगड़े से, तो आपका पैर क्या होगा बेटा, सूज जाएगा, लेकिन आपसे पूछेंगे किस पैर में चोट लगा है तो आप इस पैर का थोड़ा नाम लेंगे, आप बिल्कुल सटीक जगह बताएंगे कहाँ पे चोट लगा है। अगर आप जल गए तो आप जल जहाँ पे जले उसी जगह सीधे बताओगे हाँ यहाँ पे जले हैं, यही तो बताओगे। अगर आपको जहाँ से कट गया ब्लड आने लगा, डॉक्टर के पास जाते हो या फिर पट्टी मलहम कराते हो, तो आप वहीं पट्टी मलहम कराओगे जहाँ पे कटा हुआ है, वहीं पे ना कराओगे। ये सब जो पता चल रहा है आपको ना, ये आपका नर्वस सिस्टम के कारण आपको पता चल रहा है, जो आपका नर्वस है बेटा, तंत्रिका तंत्र है ना, यह चीज़ आपको इसी चीज़ से जानकारी मिल पा रही है कि जो सूचना जा रहा है ना हमारा, जो सूचना जा रहा है बेटा यहाँ से सूचना जा रहा है ना, सूचना वाहक क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, जब आपका पढ़ेंगे एक नेक्स्ट क्लास है उसमें सूचना वाहक के तौर पर कौन तंत्रिका तंत्र को बताता है ना, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ से गया तुरंत आपके तंत्रिका तंत्र में बता दिया भैया यहाँ से सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो तुरंत बहुत सारे ब्लड आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, उस चीज़ को भरने लगते हैं, भैया भर जो सब लोग भर जाते हैं, वहाँ पे सब लोग सट जाते हैं। सटने के बाद अब अंदर बाहर से जो होती है ना, मतलब अंदर जो सेल होते हैं ना, उस सेल के चारों तरफ जम जाता है। आप देखते होंगे जब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो पपड़ी पड़ जाती है, पपड़ी
वह सब वही वही होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल यही सब होते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अब क्या देखिए, कंकाल पेशियां मतलब स्केलेटन सिस्टम अस्थियों में जुड़े होते हैं, अस्थियों से जुड़े होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंकाल पेशियां जितने भी होते हैं सब अस्थियों से अस्थि करके जुड़े होते हैं बेटा। पेशियों के दोनों सिरे, जो पेशी के दोनों सिरे होते हैं बेटा, अलग अलग दो जगह पर जुड़े होते हैं। जैसे हम बात करें, ये देखिए कलाई है हमारा, ह्यूमरस बोन है, यह ह्यूमरस बोन है, ये हमारा यह ह्यूमरस बोन है बेटा, ये हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला बोलते हैं जो कंधे की हड्डी होती है उसे स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला से यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा कोहनी मतलब कि हमारा इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अल्ना, अल्ना और रेडियस दो हड्डी होते हैं यहाँ पे, जो हमारा यह होता है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे होते हैं दो हड्डी। रिस्ट को छोड़ दीजिए, कलाई को नहीं ले रहे हैं हम, बस ऊपर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अल्ना और रेडियस होता है और यहाँ पे ह्यूमरस होता है, तो अल्ना रेडियस से एक यह सटा हुआ है इधर से, और यहाँ पे देख रहे हैं स्कैपुला से सटा हुआ है, तो देख रहे हैं ये ह्यूमरस, ये जो बीच का मसल है ये दो तरफ हड्डियों से सटा हुआ है कि नहीं। तो यही चीज़ बोल रहा है यह कि पेशियाँ जो होती हैं बेटा किन्हीं दो सिरों से अलग अलग तरह से सटी होती, नहीं तो क्या होगा, जो बोन्स पे मसल नहीं होगा तो क्या होगा। देखते हैं, एक डिजीज़ भी होता है, नाम नहीं इसमें हमको माइंड पे आ रहा है, एक डिजीज़ होता है कि जो होता है ना लोगों के मसल जो होते हैं बेटा हड्डियाँ छोड़ने लगते हैं, सारे मसल अपने आप गिरने लगते हैं। एक डिजीज़ होता है, कोई डिजीज़ होती है, खतरनाक डिजीज़ होता है बेटा, उसमें आदमी बचता नहीं है, चला ही जाता है, अल्लाह को प्यार हो जाता है। और देखिए एक और बात इसमें बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं दूसरे की तरफ, आरेखित। ये तो हम रेखित बता रहे हैं, रेखी रेखित कहिए या फिर कंकाल पेशी कहिए, इसी का नाम है स्केल्टन, स्केल्टल मसल, ठीक है। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जहाँ जोड़े होते हैं बेटा, जहाँ पे जोड़ होता है ना, वहाँ उनके बीच एक आलम्ब होता है, आलम्ब मतलब फलक्रम, फलक्रम मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ है, जैसे आप सरौता से सुपारी काटते हैं, सरौता से आप कैंची से आप क्या करते हैं कपड़े काटते हैं, तो कैंची ऐसे होती है, बीच में जगह होती है ना, यह चीज़ यहाँ पे घूमती है, उसे फलक्रम बोलते हैं। मतलब कि कोई दो चीज़ अगर अपने जगह घूमे, अपने जगह घूम जाए, तो जहाँ से घूमता है जो रिबिट वाला पॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं फलक्रम, ठीक है ना। जैसे घुटना हो गया, घुटना क्या बेटा, एक तरफ जैसे यह कलाई है, यह हमारा कलाई है, आम है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, एक तरफ मोड़ रहे हैं ना, तो यह वाला चीज़ क्या है हमारा, फलक्रम है। उसी तरह घुटने में भी है, जो पटेला वाला पार्ट है, पटेला वाला, वो भी आपका फलक्रम का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि निचला वाला जबड़ा, यह जबड़ा देख रहे हैं, यह वाला तो ये क्या काम कर रहा है बेटा, ऐसे ऊपर आ, जब खाना खाते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं ना, आ ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता है, ये ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। अभी हम बताते हैं कितने प्रकार की संधि होती है, तुरंत अभी हम संरचना बनाएंगे बोर्ड पर, आप लिखते चलिएगा। यह रहा आपका बेटा, यह रहा कंकाल पेशी। अब दूसरी पेशी की बात करते हैं, आरेखित पेशी मतलब कि अनस्ट्रिप्ड मसल। ऊपर वाला क्या था, स्केल्टल मसल, अब ये क्या है, अनस्क्रिप्ड मसल, मतलब कि यह अनैच्छिक क्रिया होती है, मतलब अनैच्छिक होता है बेटा। ऊपर वाला क्या था, ऐच्छिक था, यह अनैच्छिक है। आरेखित पेशी बोलिए या फिर अनैच्छिक पेशी बोलिए, ठीक है ना, या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल बोलिए, सब तीनों का तीनों एक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे आरेखित पेशी, आरेखित पेशी है बेटा, पेशी है, ठीक है, आरेखित पेशी। दूसरा, यह पहला था पेशी के अंतर्गत, यह दूसरा है। अभी एक और पढ़ना है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपको याद हो जाएगा इसी तरह क्लास में ही। अब देखिए, जो आरेखित पेशी होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये चिकनी होते हैं, पहली बात है चिकनी होती है, जैसे कि हम लोग का इसोफेगस है, जो गले में हम लोग खाना खाते हैं बेटा, वो मसल होता है, जो फूड पाइप होता है, वो क्या होता है, पाइप का थोड़े होता है, प्लास्टिक का थोड़े होता है, सड़ गल जाता है, उसी में पता चलता है, फिर उसे कैंसर काट पीट के निकालना पड़ता है हमें, मतलब हमें क्या, डॉक्टर को, है ना, तो यह काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्या, वो मसल सिस्टम है पूरा, बिल्कुल चिकना होता है, बिल्कुल चिकना। जैसे आप कभी खाइएगा पराठा, या फिर तेल वाली सब्जी, या फिर तेल वाला सामान खाइएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसी में सूखी रोटी खाइएगा, या फिर बासी रोटी खाइएगा, है ना, तो उसमें उस समय आपको उसमें स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा यह होता है ना, यह वाला सिस्टम, ये इसमें जो ऑयली चीज़ होता है ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा ऑयली चीज़, क्योंकि यहाँ पे सीधे सरक जाता है, अंदर सरक जाता है बेटा, इस वजह से हमको अच्छा लगता है। और एक और कारण होता है, जब आप गर्म गर्म खाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, कह लीजिए कि एक फिजिक्स का रूल है उसमें, जिसमें कि कह लीजिए टेंशन फोर्स होता है, उसके कारण से हमें अच्छा लगता है, टेंशन फोर्स कम लगता है ना, इस वजह से हमको अच्छा लगता है खाना। लेकिन अगर कंकाल पेशी की सिर्फ बात करें, रेखित पेशी की बात करें, तो स्ट्रिप्ट होते हैं, ऐच्छिक क्रिया होते हैं, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक नहीं बेटा, अनैच्छिक वाला कौन था, एक मिनट, अनैच्छिक होता है, ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक होता है, याद रखेंगे। चिकने होते हैं ये पूरे अच्छे तरीके से, चिकने मतलब स्मूथ होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये आहार नाल जैसे हो गया हमारा, रुधिर वाहिनियाँ हो गई, रुधिर जहाँ पे रुधिर बहती है, जिसे वेंस बोलते हैं, ठीक है, वेंस वगैरह में बहते हैं ना, धमनियाँ हो गई, सीरा हो गई, यहाँ पे वेंस में मतलब कि ब्लड वाहिनियाँ जो होती हैं दोनों, वहाँ पे हो गया। इसके बाद अंतरांगों, जितने भी अंतरंग होते हैं वह सब,
अंतर के सारे अंग जो होते हैं बेटा वह सब आर्य की पेशी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि चिकने मसल के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे कि सिकुड़न, कली सिकुड़ना, संकुचन, संकुचन, फैलाव बहुत धीरे धीरे होता है इन सब में, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे कि फीमेल्स के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मैन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि अंदर पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ने वाला काम करते हैं। अगर सिकुड़ जाते हैं तो उनके जो स्किन होते हैं फैले हुए हो जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब जब संकुचन करेंगे तो लगेगा सटा हुआ, जैसे कि आप लंग्स देख लीजिए, लंग्स में जब हवा भरते हैं अपना कुकस के खींचते हैं तो आपका लंग्स क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाता है बेटा, फूल जाता है। जो आपका नीचे डायफ्राम होता है ना वो चिपक जाता है, इसमें चिपक जाएगा आपके लंग्स में नीचे, क्योंकि लंग्स के नीचे डायरेक्ट आपका जो लंग्स के नीचे ही होता है डायफ्राम, वो चिपक जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, सीधे सीधे जो आपका डायफ्राम होता है सीधे ढीला पड़ जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं। देखिए कंकाल पेशी मतलब स्केल्टन मसल अस्थियों, एक मिनट, ये चीज़ हो गया ना। इसके बाद बेटा ऐसे मसल जिसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं वो भी आरेखित पेशी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद ऐसे मसल शरीर के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, जिन्हें हम देख नहीं सकते, है ना, मरने के बाद ही या फिर कुछ कांड वगैरह होने के बाद ही वो पता चलता है कि सामने वाले को देख पाता है, नहीं तो फिर उसे हम नहीं देख सकते। अब तीसरी जो आपका पेशी है बेटा, तीसरी जो पेशी है उसका नाम क्या है, लिखेंगे हृदय, जो बोलते हैं इसे कार्डियक पेशियाँ बोलते हैं, कार्डियक पेशियाँ आप लोगों ने सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट मतलब कि वही जब आपको हार्ट अटैक आता है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो ब्लड का जो सप्लाई होता है ना हृदय में कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, उसी समय उसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया, आदमी निकल लिया। तो बस यही चीज़ है, हृदय मतलब कि हृदय बोलिए या फिर कार्डियक पेशियाँ बोलिए, तो लिख लीजिए इसको आप कार्डिक पेशियाँ, ये तीसरा बेटा, ये केवल और केवल हृदय में होता है, बस यही है एक इसमें कमाल, ये बहुत सिंपल है, केवल और केवल हृदय में मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, जीवन पर्यंत, मतलब यह क्या होता है, जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करता रहता है बेटा, बिना रुके कार्य करता रहता है, ये चीज़ याद रखेंगे। जब रुका तो आदमी टाइम टाइम फिस हो जाता है, जब रुका तो, ठीक बेटा, आप लोग ढीले नहीं पड़िए, जब भी ढीले पड़िएगा मतलब जब जोश कम हो जाए पढ़ने में ना, तो आप एक बार जय महाकाल का नारा लगाइए, आपका जोश खुद ही आ जाएगा अंदर से। अब बेटा हमको दो चीज़ देखना है, ये तीनों चीज़ हम पढ़ लिए, कंकाल पेशी पढ़ लिए, आरेखित पेशी पढ़ लिए, ये ऐच्छिक होता है पेशी, ये अनैच्छिक होता है बेटा, ये कार्डिक पेशियाँ जो होती हैं वो हमारे हृदय में पाई जाती हैं, जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, ठीक है, इसका काम जीवन पर्यंत चलता रहता है, नहीं तो फिर बंद हुआ तो आदमी निकल लेगा बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पढ़ना है ऐच्छिक या फिर कंकाल पेशियों कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे पूछ लीजिए। ऐच्छिक पेशी, अभी हम कंकाल से पेशी की बात कर रहे थे ना, कंकाल पेशी का डेफिनेशन हम लोग देख लीजिए, लेकिन उसके अंतर्गत भी दो प्रकार की होती हैं ऐच्छिक पेशियाँ, यानी कि कंकाल पेशी दो प्रकार के होते हैं बेटा। जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जैसे हाथ पैर घुमाना, है ना, हाथ पैर जबड़ा ये सब घुमाना, तो क्या है, ये ऐच्छिक पेशियों के कारण ही होता है। अगर आप चाहते हैं आँख की पलक झपकाना तभी झपकता है, है ना, अगर आप चाहते हैं बेटा कि गर्दन घुमा लें तभी घूमता है, हाथ घुमाना चाहते हैं तभी घूमता है, जो भी करना चाहते हैं अगर आपके मर्जी से होता है वह ऐच्छिक के अंतर्गत आ जाता है, ऐच्छिक के अंदर आता है। इसे हम दो प्रकार से जानते हैं, एक टेंडन होता है जिसे बोलते हैं कंडराओ, क्या बोलते हैं बेटा, कंडराओ, क्या बोलते हैं, देखिए हिंदी में थोड़ा नाम अटपटा है, कंडराओ बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टेंडन, क्या बोला जाता है बेटा, टेंडन बोला जाता है। एक और होता है इसे बोला जाता है स्नायु, क्या बोला जाता है, स्नायु बेटा, स्नायु मतलब कि लिगामेंट, क्या होता है, लिगामेंट होता है, स्नायु मतलब लिगामेंट जनरली सबके घर में देखने को मिल जाता है, लिगामेंट वाला प्रॉब्लम्स। अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो वहाँ पे कॉक्स होता है, उसे ही बोला जाता है, मतलब उसी के अंदर होता है आपका लिगामेंट। बताते हैं दोनों, ध्यान सुनिए, जो बेटा कंडरायो होता है, देखिए हम इसको बोलेंगे टेंडन, आप लोग हिंदी में अगर लिखना है तो लिख लीजिए, इसे बोलते हैं लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए हिंदी में, वैसे हम इंग्लिश में ही थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि हिंदी वाला नाम गड़बड़ हो जाता है हमसे, है ना। तो देखिए ध्यान से बेटा, जो आपका टेंडन होता है यह कंकाल पेशी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी मतलब बोन से जोड़ता है, कंकाल पेशियाँ जो होती हैं, जितने भी कंकाल पेशियाँ होती हैं, जैसे हम बात करें बेटा आप जितनी भी पेशियाँ होती हैं उसमें मांस चढ़ा होता है, मांस चढ़ा होता है ना, तो दो हड्डियों के बीच में एक मांस नुमा एक संरचना होता है, उसी को बोलते हैं बेटा, जैसे आपको आप सुनते होंगे कार्टिलेज आप सुनते होंगे, वो हड्डी की तरह ही होता है लेकिन हड्डी से थोड़ा सा नरम होता है बेटा, जैसे हमारे दांत में जो मसूड़ होते हैं उसमें कार्टिलेज पाया जाता है,
आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर का सबसे ठोस पार्ट, सबसे कठोर पार्ट कौन है, तो बताते हैं कार्टिलेज, जो दांत का जबड़ा होता है, अगर उस पर एक घुसा मार दो ना, दांत अंदर चला जाएगा लेकिन फिर से सही हो जाता है, हो जाता है ना। कौन लोग, कितने लोग मार खाएं बताइए पापा से। अच्छा तो खाएं भैया, बहुत बार पीटे गए हैं, लेकिन अब नहीं, आप बहुत प्यार करते हैं पापा। अब कंडरायो मतलब टेंडन, स्नायु मतलब लिगामेंट, है ना बेटा। अब देखिए, जो आपका टेंडन होता है यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, यह बात आप कांड बन के रख लेंगे। एक श्वेत मतलब कि सफ़ेद कलर का रेशेदार संयोजी ऊतक होता है, जो कि जब आपका हड्डी होता है, हड्डी के जो आपका ऊपर सबसे जो कोलेजन मतलब कि चिपकना, उसके बिल्कुल फाइबर नुमा उसकी आकृति होती है, कोलेजन फाइबर से बोलते हैं, वो बिल्कुल हड्डी के ऊपर होता है, ऊपरी पार्ट होता है बेटा उसमें, और जो आपका मसल होता है उसमें सटा हुआ होता है, जो कि रेशेदार आकृति का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मसल होता है या फिर जो हमारा कलेजे की जो रेशेदार मतलब इसमें कौन सा पदार्थ होता है, अगर पहले पूछ ले तो बताएंगे श्वेत रेशेदार पदार्थ होता है जो कि हड्डी के बिल्कुल ऊपर होता है, तभी तो वो जोड़ पाता है मसल को हड्डी से बेटा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, बस सिंपल एज इट, ठीक है ना। अब इसके बाद लिगामेंट होता है, लिगामेंट की बस इसका उल्टा होता है बेटा स्नायु, यह हमारा बोन और मसल से कनेक्ट होता है, और यह होता है बोन से बोन को कनेक्ट करता है बेटा। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, यही होता है लिगामेंट, उसे बोलते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बीच में लिक्विड होता है। जैसे अगर यहाँ पे हड्डी बना दें ऐसे बेटा, जैसे मान लीजिए यह, एक मिनट, यहीं पे होता है बेटा लिगामेंट। जैसे हम मान लीजिए ये घुटने का हड्डी बना दी है, पटेला आपका, ये पटेला है, तो अधिकतर आप देखते होंगे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कॉक्स मतलब कि कलेजे, जो लिगामेंट होता है हमारा, जो लिगामेंट होता है बेटा यही होता है, और लिगामेंट एक तरह से लिक्विड होता है, लिक्विड जो काम करता है हमारे, जैसे कि आप देखते होंगे घर में अगर आप कोई ऑयलिक चीज़ लगाते हैं, जैसे कि हम बात कर लें नारियल का तेल, घी बात कर लेते हैं, देसी घी की बात कर लेते हैं बेटा, वो क्या होता है ठंडी में देखते होंगे जम जाता होगा, बिल्कुल जम जाता होगा, और गर्मी में पिघल जाता है, बस इसी तरह यह भी काम करता है। अगर ठंडी में जम जाता है तो देखते होंगे आप कि ठंडी के दिन में गठिया वाला रोग बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, गठिया वाला रोग, या फिर कह लीजिए कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको उठने में प्रॉब्लम्स होने लगती है, दिक्कतें आने लगती हैं ठंडी के समय। बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं, सलाह देते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग की जब दिक्कत होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं उनसे सलाह लेने, तो बोलते हैं इसको थोड़ा सेकैया करिए। इसका सेकैया क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब नारियल का तेल आप हाथ पे लेते हैं या फिर धूप में रखते हैं तो पिघल जाता है, क्यों पिघल गया, क्योंकि उस पर गर्मी चला गया ना। इसी तरह यहाँ पे भी है, इसको गर्म करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि जो ये हमारा लिक्विड है ना वो पिघल जाए, पिघलने की वजह से पूरा इस पर क्या होगा, चढ़ जाएगा, जब चढ़ जाएगा तो जब रगड़ खाएगा तो दर्द नहीं होगा, नहीं तो फिर बिना लिक्विड का जब रगड़ खाएगा बेटा तो दर्द होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज़, एक हो गया लिगामेंट, एक हो गया आपका टेंडन। ये था हमारा क्या बेटा, कंकाल में ऐच्छिक पेशी था, आपको पता हो गया। अब हम एक चीज़ बात करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे बेटा आपके जितने भी कार्य हैं, कार्य के आधार पर जितने भी पेशियाँ वर्गीकरण होती हैं उस पर आएंगे, पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं, एक चीज़ पर ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा बेटा। अगर हम बात करें ज्वाइंट संधि की, पहले बात कर लेते हैं संधि, जितने भी ज्वाइंट होते हैं हमारे बोन्स में, मसल में, जो भी ज्वाइंट होते हैं, संधि मतलब कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये तो तीन प्रकार का होता है, एक होता है इमूवेबल बेटा। इमूवेबल का मतलब होता है बेटा फाइब्रस, क्या होता है फाइब्रस, ये टेक्निकल नाम है फाइबर्स याद रखें फाइबर। अब देखिए इमूवेबल का मतलब आप यहाँ ना समझिएगा, आप सर इंग्लिश बोल रहे हैं बेटा, इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव ना करे, जो बिल्कुल हिले डुले ना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, इमूवेबल मतलब जो बिल्कुल हिले डुले ना, बिल्कुल एक जगह बैठा हो, है ना बेटा, याद रखेंगे। इसे बोलते हैं टेक्निकल नाम इसका होता है फाइबरस। आपको डॉक्टर सलाह देती है कि फाइबर वाला चीज़ आप ज्यादा खाइए, जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग होंगे, है ना। जैसे कि इसे हिंदी में अगर बोलें बेटा अचल होता है, अचल बोलते हैं, अचल मतलब कि जो कि रेशेदार होता है, कह लीजिए ये अचल कहिए या फिर रेशेदार दोनों तरीके से इसको देखा जाता है। ये अचल पहली बात होता है, अचल मतलब कि इमूवेबल, जो बिल्कुल नहीं मूव करता है। जैसे बात करें दांत देखते हैं, जो आपका दांत टूट जाता है तो क्या वहाँ पे दूसरा दांत है, मतलब कि अगर इधर उधर दांत कर सकते हैं आप, कभी नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे कर सकते हैं बेटा, लेकिन दांत को हिला नहीं सकते आप, दांत को नहीं ला सकते। इसी तरह सेम सिचुएशन बेटा आप कह लीजिए कि खोपड़ी, जो आपकी क्रैनियम वाला पार्ट होता है, खोपड़ी में आपको बताए थे कल हम कि 8 हड्डियाँ होती हैं, पूरे खोपड़ी की बात कर रहे हैं बेटा,
पूरे खोपड़ी की, मतलब कि बस इसका बात कर रहे हैं जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, पूरे खोपड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा ये आपका सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो 29 हड्डियाँ होती हैं, 29 है ना, 29 होती हैं। इसमें 14 फेस भी होती हैं, 6 कान, मतलब दोनों कान मिला के 6 हो गया, 8 इसमें हो गया, एक हवाइड बोन होता है जो हमारी जीभ को पकड़ के रखता है ना, ये हमने कल बताया था, आगे भी डिस्कस कर देंगे कुछ सेकंड, मतलब 5 मिनट में सारी हड्डी हम आपको याद करवा देंगे बेटा। अब देखिए जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है, क्रेनियम एक ऐसा पदार्थ होता है बेटा, लिक्विड होता है, जो हमारे ऊपर वाले पार्ट होता है जो ये वाला पूरा अग्र से लेके पश्च उसको ढके रखता है, ढके रखता है। बस ये समझ लीजिए जो ऊपर में जितने भी खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ क्या हिलती हैं, जब हिलती ना तो आपका दिमाग वो ऐसे ऐसे करता है ना, पहली बात हिलती नहीं है, इस वजह से वो भी आ जाता है किसके अंतर्गत बेटा, इमूवेबल के अंतर्गत, मतलब घूमने वाला नहीं है, याद रखेंगे वो भी अचल होता है। इसके बाद एक और चीज़ होता है बेटा, इसे जो खोपड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, खोपड़ी कभी काल के पूछ लेता है, खोपड़ी को क्या बोलते हैं तो बता देंगे, खोपड़ी को बोलते हैं बेटा सूचर, सूचर बोलते हैं, सूचर याद रखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे बता देंगे आप कि स्लाइटली मूवेबल, मतलब ये तो पूरा एकदम नहीं मूव कर रहा था, अब ये स्लाइटली मूव करेगा, यस LIGHTLY, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल बेटा याद रखेंगे, मूवेबल। अब ये स्लाइटली मूव करेगा मतलब थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, जैसे हम बात करें बेटा इसे बोलते हैं अपूर्ण संधि, इसे तो बोलते हैं फिक्स संधि, ये कभी नहीं मूव करेगा भैया। और यह होता है बेटा कार्टिलेजियस, मतलब कार्टिलेजियस आप जानते हैं जो कार्टिलेज बिल्कुल हड्डी के रूप में होता है, मसल का और हड्डी का बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है कार्टिलेज बेटा, हड्डी के जैसा होता है, जो आप अगर चिकन वगैरह खाते होंगे तो आपको पता होगा जो उसका कॉलेज एक वाला पार्ट होता है, लेग पोर्शन होता है, उसमें कार्टिलेज ही होता है, जो दांत से हम लोग खाने के बाद जब दबाते हैं तो वहाँ पे कार्टिलेज होता है वो चीज़ है ना, आप देखे होंगे, वैसे हम खाते नहीं, सबसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन पता है ये सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, पता होता है सारी चीज़ें, भले बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं लेकिन पता होता है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए सब बहुत सारे लोग होते हैं बेटा, जो बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं होता है उनसे, लेकिन वो जानते हैं उसके बारे में, तो ऐसा ये थोड़े होता है इसका मतलब, फिर वो मतलब कि उस चीज़ को करते हैं है ना। अब देखिए जो स्लाइटली मूवेबल होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे कि रिप्स की हड्डी आ जाएगी, रिप्स की ये वाली पीछे वाली, जैसे बैक बोन आ गया, रिप्स वाली हड्डी आ गई, रिप्स यह हो गया ना, रिप्स यह हो गया, बैक बोन पीछे की हड्डियाँ हो गई, ये वाली आ जाती है पीछे की जो बैक बोन होती हैं। और बेटा एक और हड्डी इसमें आती है कलेजे, जो कलेजे मूव नहीं करती, बस ये दो हड्डियाँ आप याद रखेंगे, एक रिप्स की और एक होता है बैकबोन, ये दोनों हड्डियाँ इसमें आ जाती हैं। एक लास्ट पार्ट इसमें होता है बेटा, लास्ट पार्ट होता है इसके अंतर्गत, याद रखेंगे इसके, अब देखिए ये दोनों आपको पता हो गया, अब इसको हम इरेज करते हैं, एक जो लास्ट पार्ट है उसको बताते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, संधि है कलेजे उसके अंतर्गत काफ़ी है, जॉइंट्स उसके अंतर्गत ज़्यादा है। अब देखिए ये बेटा फ्रीली मूवेबल, अभी तक क्या था, इमूवेबल मतलब बिल्कुल नहीं मूव कर रहा था, दूसरा था स्लाइटली मूवेबल मतलब कि थोड़ा बहुत मूव कर रहा था, अब आ जाता है बेटा क्या, फ्रीली मूवेबल बेटा, फ्रीली मूवेबल मतलब बिल्कुल भी मूव कर सके, आप उसे चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। जैसे कि बात करें, इसे बोलते हैं साइनोवियल, पहले वाले क्या बोलते थे, फाइब्रस, दूसरे वाले क्या बोलते थे, कार्टिलेजियस, अब इसको बोलते हैं बेटा साइनोवियल, साइनोवियल टेक्निकल नेम है इसका, साइनोवियल आप लोग बिल्कुल मत घबराइए बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोग को, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इसे बोलते हैं पूर्ण, मतलब पूरे तरीके से मूव करेगा, पूर्ण मूवेबल बेटा याद रखेंगे हिंदी में। अब देखिए इसमें चार प्रकार के होते हैं बेटा, चार प्रकार के नहीं, पांच प्रकार के होते हैं मूवेबल। पहला होता है बेटा आपका देखिए हिंज जॉइंट, अब हिंज के अंतर्गत क्या होता है, हिंज जॉइंट के अंतर्गत बेटा क्या आता है, मतलब कि जैसे घुटने की कोहनी की बात कर लेते हैं, कोहनी क्या, हिंज जॉइंट है, और यह क्या है, घुटना क्या है, वो भी हिंज जॉइंट है। अब घुटने को आप अगर हिंज जॉइंट का मतलब एक ही तरफ मूव करना है, एक ही तरफ, हिंज जॉइंट मतलब कि टंगा होना, जैसे कि दरवाजे का कब्जा हो गया, कब्जा होता है दरवाजे का ना, उसमें क्या करते हैं आप, दोनों तरह से घुमा देते हैं क्या उसे, मम्मी लपड़िया देंगे, फिर कहेंगे दरवाजा तोड़ दिया, चल दूसरा दरवाजा ला, अभी तो कमा वमा नहीं रहा है, नौकरी वोकरी लगी नहीं है ना, और तुम दरवाजा तोड़ दिए, चलो दूसरा दरवाजा लेकर आओ ना, इस तरह की बातें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन जो एक तरफ मूव करता है बेटा उसे बोलते हैं क्या, हिंज जॉइंट है ना, याद रखेंगे। अब जबरदस्ती थोड़ा इसे घुमा देंगे कि टूट जाए हाथ, तो तोड़ना नहीं हाथ हमें, बस याद रखेंगे हिंज जॉइंट जो होता है एक तरफ मूव करता है बेटा, याद रखेंगे पहला। अब इसी में होता है पीवोट जॉइंट। जो पीवट जॉइंट होता है बेटा, ये जैसे जबड़े की हड्डी हो गई, गर्दन की हड्डी हो गई, यह केवल एक तरफ घूमता है, गर्दन की हड्डी देखें ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, यही तो होगा। और जो जबड़े की हड्डी होती है नीचे वाला, ये केवल नीचे आएगा, नीचे ऊपर करेगा, जब खाना खाएंगे तो ऊपर वाला फिक्स होता है ना, नीचे वाला लेकिन मूव करता है, इसे बोलते हैं पीवट जॉइंट, एक तरह से समझ लीजिए, या फिर यह समझ लीजिए पीवट जॉइंट, जैसे आपने एक जगह रख दीजिए किसी को, जैसे आपका मुंडी हो गया, सर क्या है, टंगा हुआ है, एक तरह से खूंटा है, खूंटा के नुमा इधर उधर आप घुमा रहे हैं, पीवट जॉइंट होता है बेटा,
याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पिवट जॉइंट के बाद देखते हैं बॉल सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, यस एच एक मिनट, बॉल एंड सॉकेट बेटा, SOCKET, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा आ जाता है जैसे कि कंधे की हड्डी, जांग कंधे की हड्डी, जांग की हड्डी, अभी हमने बताया आपको। जैसे कि ये हमारा क्या है बेटा, एक हमारा हड्डी मान लीजिए यहाँ पे, जो हमारे बांह को जोड़ती है, ह्यूमरस हड्डी को जोड़ती है यहाँ पे। तो एक ऐसे होता है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार होता है, ऐसे कुछ मान लीजिए है। अब यहाँ से आपकी हड्डी निकली, मतलब बांह निकला, ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, जो कुछ एक ज्वाइंट होता है। अब यह होता है हमारा क्या बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिल्कुल बॉल की तरह घूमता रहता है, ऐसे। अब किधर भी घुमा लीजिए, देखिए घुमा लीजिए, किधर भी घुमा लीजिए आप। तो इसी तरह आपका जांग के पास होता है, कॉक्सल हड्डी जो जांग के पास होता है, कोल्हू के पास, वो अभी आपके पैर को, आप पैर पूरा ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, पूरा पूरे तरीके से रोटेट कर लेंगे, ऐसे ऐसे पूरा रोटेट कर लेंगे। तो जिस पार्ट को आप इस तरह रोटेट कर सकते हैं बेटा ना, पूरे हर तरफ, चारों तरफ, तो वही होता है पिवट जॉइंट। याद हो गया, अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर का, सॉरी पिवट बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पिवट नहीं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, जिसको आप पूरे तरीके से घुमा लिए, ठीक है। पिवट जॉइंट बेटा केवल एक तरफ घूमेगा, याद रखेंगे, एक तरफ घूमेगा केवल, ठीक है, एक तरफ घूमेगा। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका पूरा अच्छे तरीके से हर तरफ घूम जाएगा। बॉल मतलब बॉल पे आप अभी एक काम करिएगा, जैसे बॉल ले लीजिएगा, बॉल पे चढ़िएगा, जब चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे आप, क्यों? क्योंकि बॉल हर तरफ घूम रहा है। इसी तरह आपका यह वाला जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, गड्ढे नुमा आकृति है, उसमें आपका जो ये बांह है धंसा हुआ है, वो हर तरफ घुमा सकते हैं आप, है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक और है, अभी दो है, एक सैडल है, सैडल मतलब कि अंगूठा, अभी बताते हैं, सैडल, सैडल जॉइंट, SADDLE, सैडल जॉइंट, इसे हिंदी में भी यही नाम है बेटा, हिंदी में भी इसका यही नाम है, याद रखेंगे, सैडल जॉइंट। सारे का जो हिंदी नेम है ना, बिल्कुल सेम है, आप इसे ना घबराएंगे कि हिंदी नेम सर नहीं बता रहे हैं। अब देखिए सैडल मतलब क्या हो गया, अंगूठा, जैसे कि उंगली, सारी उंगली देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है हो जाए किसी का, लेकिन मेरा तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कर, लेकिन अंगूठा क्या है, हर तरफ घुमा सकते हैं, हर तरफ घुमा सकते हैं बेटा, एक तरह से कह लीजिए बॉल एंड सॉकेट का बच्चा है, बॉल एंड सॉकेट का बच्चा है, है ना, छोटा सा पार्ट होता है, उसे बोलते हैं बेटा सैडल जॉइंट, सैडल बोलते हैं। एक लास्ट है ग्लाइडिंग, क्या होता है ग्लाइडिंग बेटा, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, यह क्या होता है ग्लाइडिंग जॉइंट बेटा, यह होता है जैसे अजूरी, अजूरी देखें, अजूरी देखें, लोग बोलते हैं गांव में अजूरी नहीं, एक मिनट, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं अजूरी में, मतलब कि इसमें बहुत सारे सामान रख दीजिए, मतलब मसल के ऊपर मसल जब सरकता है उसे बोलते हैं बेटा क्या, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ये जॉइंट हो गया। अब लास्ट चीज़ है, हम आपको बता देते हैं, इसको आप रिविजन करेंगे एक बार और हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक दोबारा आप रिविजन करेंगे अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण। अब एक एक को हम लिखते चलेंगे और बोलते चलेंगे, आपको लिखते हुए चलना है। पहला लिख लीजिए अकोचनी, देखिए हिंदी नाम हमको मत याद करवाइए, हिंदी बहुत अटपटा नाम है, हम लिख देंगे, लेकिन अब हमको याद नहीं करना, हमको हिंदी नाम याद ही नहीं होता है बायोलॉजी में, पहली बात बेटा, आप लोग को अगर हम कहेंगे हिंदी नाम ना याद करें, अगर मान लीजिए हिंदी नाम नहीं दिया वहाँ पे बायोलॉजी में, इंग्लिश नाम दे दिया तो फिर क्या करेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेगा, उसी इंग्लिश को ना आपको लिख के दे देगा, जैसे आपको लिखना है डॉग, डॉग को ऐसे लिख देगा, ऐसे, तो ये अभी तो है इंग्लिश ही, बस हिंदी में लिख दिया है, ठीक है ना, बस ऐसे ही होता है नाम, आप इसको याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब देखिए पहला है बेटा, इसमें कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण में पहला जो आता है उसे बोलते हैं हिंदी में आकोचनी, आकोचनी, देखिए अटपटा नाम है, कैसा नाम है हमको खुद नहीं याद होता है, आकोचनी को बोलते हैं फ्लेक्सर मूवल, फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, है ना। अब देखिए इनमें क्या होता है, इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि अंदर या पीछे की ओर खींचती हैं, अंदर या पीछे की ओर खींचती हैं, जिसमें अस्थियां समीप आती हैं और उनके बीच कोण कम हो जाता है, कोण कम, जैसे कि हम बात करें, यह देखिए अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है ना, इसमें क्या होगा एंगल जो है बेटा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर, अगर दो मसल के बीच में एंगल की कमी होती है, एंगल कम होता है, तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सर मसल बोलते हैं। जैसे हाथ है ना, देखिए हाथ में क्या, यहाँ पे था या फिर यहाँ पे लेगा यहाँ पे, इस तरह क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, कम हो गया, इसे बोलते हैं फ्लेक्सर बोलते हैं। एक और होता है जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार कर देना, बढ़ा देना, जब एक्सटेंशन, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड कर देना,
फैला देना। तो एक्सटेंशन का ही मतलब हो गया किसी जो एंगल था अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, अब एक्सटेंशन का मतलब हो गया एंगल हम बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, बढ़ गया, देखिए पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री थोड़ी घूमेगा यार, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा बेटा ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, पिवट है, पिवट जॉइंट है, पिवट नहीं, कैसा जॉइंट है बताइए, तो ये किस प्रकार का जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, हिंज, पिवट तो यह हो गया, हिंज जॉइंट है। अगर ऐसे पूरा घुमा दिया तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा भैया। इस वजह से आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, जब बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे आप क्या, एक्सटेंशन, जब घट रहा है तो उसे बोलेंगे फ्लेक्सर। दोनों चीज आपको याद हो गया, यह एंगल बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन, घट रहा है तो फ्लेक्सर, यही चीज होता है आपका, यह एक प्रकार का आपका क्या है, पेशी है बेटा, मतलब पेशी के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण है, मतलब कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण है, ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, इसमें दो चीज आप समझ लीजिए, एक फ्लेक्सर एक एक्सटेंशन बेटा, दोनों चीज आप कॉपी पे लिख लेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें बेटा, एक्सटेंशन के बाद एक नेक्स्ट आ गया आपका अपवर्तनी, मतलब कि इसे बोलते हैं एबडक्टर, एबडक्टर मसल, ए ए बी डी ओ यू सी टी ओ आर, एबडक्टर मसल बेटा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बस इसे हिंदी में बोलते हैं अपरवर्तनी, अपरवर्तनी, अपवर्तनी, अपवर्तनी बेटा, अपवर्तनी बोलते हैं, इस चीज़ को आप लिख लेंगे। अपवर्तनी का मतलब हो गया इन पेशियों से, इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा से दूर जाती है, जब सिकुड़ती है अस्थि तो मध्य रेखा से दूर जाती है, जब फैलती है तब मध्य रेखा के पास आ जाती है, है ना, मतलब कि अगर कोई मसल है, अगर सिकुड़ रही है तो जहाँ पे थी पहले, जैसे छोटा है अब ये सिकुड़ा, मतलब पहले लंबा है सिकुड़ा तो छोटा हो गया, है ना, इस तरह का काम हो रहा है, मतलब कि जैसे कि आप हाथ को फैला रहे हैं, मान लीजिए हाथ को सिकुड़ लिए, हाथ को फिर फैलाएंगे तो ये चीज़ क्या है, जो मसल है आपका सिकुड़, मतलब फैल गया, अब सिकुड़ने वाला काम जो होगा, अब अगर आप दबाएंगे तो सिकुड़ जाएगा, तो यह काम होता है इसमें बेटा अपवर्तनी में, अपवर्तनी मसल जो होता है ना, इन पेशियों को सिकुड़ने से, अगर ये पेशियाँ सिकुड़ेंगी, अपवर्तनी पेशियाँ जो होती हैं, तो जो आपका अस्थि होगा, अस्थि के मध्य जो रेखा होगा वह क्या होगा बेटा, दूर हो जाता है। लेकिन अगर मध्य रेखा की बात करें, मध्य रेखा खींच जाता है, इस वजह से जो साइड वाले, जैसे मध्य रेखा है, अगर आप इसको टाइट करिए, टाइट करिए तो मध्य रेखा क्या होगा, खींचेगा, खींचेगा तो यह मसल क्या होगा, फैल जाएगा, दूर दूर जाएगा, बस वही होता है आपका एबडक्टर मसल, याद रखेंगे इसको। इसके बाद बेटा आ जाता है नेक्स्ट घुड़ी, मतलब रोटेशन, रोटेशन मसल, इस तो अभी बताए हैं हम इसको, रोटेटर, रोटेटर बोलिए या फिर रोटेशन बोलिए, रोटेटर लिख लीजिए, रोटेटर मसल, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं घुड़ी, क्या बोलते हैं, घुड़ी, घुड़ी बोलते हैं बेटा, घुड़ी। इसमें क्या होता है, इसमें सिकुड़ने पर अस्थियां अपनी धुरी पर घूमती हैं, जब ये सिकुड़ेगा ना, ऐसे मसल जब सिकुड़ेंगे बेटा जो घूमने वाले हैं, तो अस्थियां क्या होंगी, अपने धुरी पर ही क्या होंगी, घूमने लगती हैं, घूमने लगती हैं बेटा, नाचने लगती हैं, इस प्रकार के हम मसल को क्या बोलते हैं, रोटेटर मसल बोलते हैं, घुड़ी मसल बोलते हैं, याद हो गया, सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल बता चुके हैं सबका बेटा, रोटेशन मसल, रोटेशन मतलब समझ गए, अभी तो हमने बताया था रोटेशन मसल, हिंज जॉइंट जो होते हैं, हिंज जॉइंट रोटेशन होते हैं, पिवट जॉइंट और रोटेशन होते हैं बेटा, पिवट, पिवट मतलब कि क्या हो गया आपका, जो गर्दन वाली या वाली होगी ना, या वाली बोन्स, एक मिनट, एक मिनट, पिवट नहीं बेटा, क्या बोलते हैं, बाल एंड सॉकेट, बाल, बॉल एंड सॉकेट, बाल एंड एस सी ओ के ई टी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यह क्या हो गया आपका, यह हो जाता है बेटा रोटेटर मसल, रोटेटर मसल के अंतर्गत आ जाता है, इसमें जो मसल है आपके रोटेटर मसल के अंतर्गत आ गया, जब आप बांह घुमाएंगे तो पूरा घूमेगा, जब पैर का कॉक्सल मसल घुमाएंगे तो पूरा घूमेगा, तो यह जाता है रोटेटर मसल के अंतर्गत। आप खड़े हो जाइए बिल्कुल स्ट्रेट, खड़े होकर अपना पैर ऐसे से घुमाइए, ठीक है ना, वो हो गया रोटेटर, मतलब पूरे तरीके से घूम जाना, अगर पूरे तरीके से घूम जाता है तो रोटेटर मसल के अंतर्गत आ जाता है, कलेजे रोटेटर मसल के कारण ही आप घुमा पा रहे हैं उसे, नहीं तो फिर नहीं घुमा पाते, है ना बेटा। चलिए और देख लेते हैं किस टाइप का बेटा, उन्नयनी, मतलब कि लेटरल, क्या होता है, लीटर लिख लीजिए, एल ई ए टी ओ आर, लीटर, इसे बोलते हैं उन्नयनी, उन्नयनी ये होता है हिंदी नेम, और यह मसल लेटर मसल, लेटर मसल में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये संबंधित होता है अस्थि या अंग के ऊपर उठाने में, जैसे आई वाला, ये वाला पोर्शन हो गया ऊपर उठाने में, जैसे बात करें ये वाला ब्रो हो गया ऊपर वाला, ये वाला क्या बोलते हैं इसे, पलक बोलते हैं, आँख का पलक जो होता है उसे आप ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठाएंगे तो पूरा ऊपर उठेगा, जैसे यह वाला लिप वाला हो गया, ऊपर वाला पोर्शन हो गया, तो आप ऊपर उठाएंगे जब तो ऊपर उठेगा, तो बस यही दोनों आ जाते हैं, मतलब ऐसे मसल जो ऊपर उठाने से उठते हैं वह अंतर्गत आते हैं बेटा लेटर मसल के अंतर्गत, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं उन्नयनी, उन्नयनी मस्कुलर सिस्टम या फिर पेशियाँ। इसके बाद आता है डिप्रेसर पेशियाँ, डिप्रेसर पेशियाँ, हिंदी में भी नाम वही है, इंग्लिश में भी नाम वही है, डिप्रेसर, डिप्रेसर, डिप्रेसर पेशियाँ, इसमें क्या होता है,
डिप्रेशन पेशी में क्या होता है सर, इसमें यह होता है बेटा, यह संबंधित होता है अंगों को नीचे गिराने से, नीचे गिराने में, या मतलब इसका नाम ही है डिप्रेशन, मतलब किसी चीज को नीचे गिरा देना, समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे गिराना, किसी चीज को नीचे गिरा देना, यह आ जाता है आपका, इसे एक और नाम से जानते हैं अनव, क्या बोलते हैं इसे, अवनवनी, क्या बोलते हैं, अवनयनी, अवनयनी, अवनयनी बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते थे, ऊपर उठाने वाले को उन्नयनी, और नीचे गिराने वाले को क्या बोलते हैं, अवनयनी। ऐसे मसल जो संबंधित होते हैं नीचे गिराने से उसे क्या बोलते हैं बेटा, अनवनी बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, डिप्रेशन पेशियां बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है क्या बोलते हैं, स्पाइनेटर, स्पाइनेटर बोलते हैं बेटा, स्पाइनेटर, स्पाइनेटर्स, ये किस प्रकार का मसल होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो आपका इनके जितनी अगली भुजा होती है, भुजा जो होती है बेटा, वो हथेली का लीजिए हो, जैसे ऊपरी भुजा हो, वो घूमने में मदद करती है, सिकुड़ने में मदद करती हो, जैसे कि हम बात करें हथेली मान लीजिए, हथेली है ना, कलाई मान लीजिए, कलाई यह ले लीजिए, अब इसको ले लीजिए, अब इसको घुमाइए, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, किस कारण से घूम रहा है, इसी के कारण घूम रहा है, स्पाइनेटर, स्पाइनेटर्स के कारण आपकी जो हथेली हो गई ना, हथेली में अगर भुजा पकड़ लिए तो ये घूम रहा है, घूम रहा है। ये दो प्रकार से घूमते हैं, इसमें दो चीज़ होता है, देखिए जैसे एक होता है प्रोनोटेशन, एक होता है बेटा स्पाइनोटेशन, स्पाइनोटेशन एक होता है प्रोनोटेशन। प्रोनोटेशन में क्या होता है बेटा, जो आपका पाम होता है ना, जो पाम होता है वह कह लीजिए कि फेस की तरफ घूमता है, मतलब कि इस साइड अंदर की तरफ घूमता है, प्रोरोटेशन में, प्रोनोटेशन, रोटेशन नहीं बेटा, देखिए प्रोनेशन होता है बेटा, दो होते हैं इसके अंतर्गत, लिख लीजिए आप, एक होता है प्रोनेशन, एक होता है प्रोनेशन, एक होता है आपका एक प्रोनेशन होता है बेटा, एक होता है स्पाइनेशन, स्पाइनेशन, स्पाइनेशन होता है, दो होते हैं स्पाइनेशन और प्रोनेशन, दो होते हैं। अब इसमें प्रोनेशन में क्या होता है आपका, जो रोटेशन होता है ना आर्म का, जो आर्म का आप कलाई का रोटेशन कराते हैं बेटा, वो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होता है, मतलब कि इसे बोलते हैं कह लीजिए कि इसे क्या बोलते हैं, पेस्टीरियली बोलते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ, फेस की तरफ ऐसे घूमना, ऐसे घूमना। और जो एक होता है बाहर की तरफ, ऐसे कलाई को घुमाना, ऐसे घुमाना, फेस के बाहर, पाल्म को फेस के बाहर घुमाना, तो ये हो जाता है आपका क्या, स्पाइनेटेशन, ठीक है ना, याद रखेंगे स्पाइनेशन, स्पाइनेशन और प्रोनेशन। स्पाइनेशन में अंदर की तरफ घुमाना, और सॉरी प्रोनेशन में अंदर की तरफ घुमाना, स्पाइनेशन में बाहर की तरफ घुमाना, ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, यही काम होता है बेटा लेग में भी, लेग में भी यही काम होता है, जिसे बोलते हैं इवर्जन और इनवर्जन। इवर्जन होता है एक, देख लीजिए इवर्जन, इवर्जन होता है एक, एक होता है इनवर्जन, इनवर्जन होता है, इनवर्जन, इनवर्जन, देखिए इंग्लिश नाम ही है, आपको याद करना पड़ेगा बेटा ये चीज़, इनवर्जन और इवर्जन दो होता है। अब देखिए जो इवर्जन होता है बेटा, इवर्जन होता है, इसमें जो पैर का जो पंजा होता है ना, वो बाहर की तरफ मूव कराते हैं। आप कभी खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद मान लीजिए मेरा ये पंजा है, ये पंजा है, इसको आप बाहर की तरफ ऐसे मूव कराएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये होता है बेटा क्या आपका, ये आपका हो जाता है क्या हो जाता है, इवरोजन, क्या होता है, इवेरोजन, इवरोजन होता है, उसे बोलते हैं इवेरोजन। और होता है इनवर्जन, इवर्जन, इवर्जन होता है बेटा, इवर्जन और इनवर्जन। इवर्जन क्या काम करता है, पैर को बाहर की तरफ मूव करने में हमें क्या देता है, आसानी होती है, या फिर हमें बाहर की तरफ मूव कराता है। और जो इनवर्जन होता है उसमें हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, ऐसे अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो ये होता है इनवर्जन बेटा। दो चीज़ होते हैं दोनों, एक का रिस्ट से रिलेटेड था, और ये आपका पैर से रिलेटेड है, दोनों याद रखेंगे। जो आपका स्पाइनेशन है, एक्सटेंशन है, सॉरी स्पाइनेशन प्रोनेशन, वो पाम से रिलेटेड है आपके, हथेली से रिलेटेड है, और रिस्ट से मतलब कि कलाई से रिलेटेड है। और जो ये आपका इवर्जन है और इनवर्जन है, ये दोनों आपका पैर के तालू से रिलेटेड है बेटा। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपका यह चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा ना, इसमें नाम थोड़े होते हैं जो ऐसे ऐसे, क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमें पता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना तो पक्का 100% याद हो जाता है, तो उसके बाद नहीं खुलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा बोन्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। बोन्स में 206 हड्डियाँ होती हैं, मतलब कि एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 में बेटा, 206 में बात करें तो अगर उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलिंग क्या होता है, एक्सियल मतलब क्या हो गया आपका, अक्षीय कंकाल तंत्र, और अपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्या बोलते हैं उसे, अपांगी कंकाल तंत्र, अपांगी मतलब कि अपेंडिकुलर,
और अच्छी मतलब कि एक्सियल, ठीक है। अब देखिए एक्सियल के अंतर्गत वह आते हैं संरचना, जैसे खोपड़ी हो गया, खोपड़ी जो हमारा सटा हुआ है मेरे इससे चेस्ट से और बैकबोन से, वो आ गया चेस्ट आ गया मतलब रिप्स का हड्डी आ गया, और पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड वाला है वो आ गया, और प्लस ये वाली खोपड़ी आ गई। तो खोपड़ी में 29 हड्डी होती है बेटा, और जो हमारा रिप्स होता है, रिप्स बोन होते हैं, उसमें 24 प्लस एक होता है, 24 मतलब कि 12 जोड़ी होते हैं और टोटल हड्डी 24 होती है, ठीक है। उसमें एक होता है, इसे बोलता जाता है हमें क्या बोलते हैं, उसमें बीच में जो होते हैं बेटा स्टर्नम होता है। स्टर्नम क्या काम करता है, दोनों मतलब इधर रिप्स होते हैं, इधर रिप्स होते हैं, इधर बोन्स होते हैं, इधर बोन्स होते हैं। रिप्स क्या काम करता है, दोनों तरफ के हड्डियों को कनेक्ट कराता है, है ना। एक मिनट, ठीक है बेटा। रिप्स क्या काम करता है, दोनों तरफ के बोन्स को कनेक्ट कराता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ होती हैं, 26, बस इतना चीज़ याद रखिए, बाकी सब हो जाएगा। अब 126 हड्डियों की बात कर लेते हैं जो अपेंडिकुलर कॉलम के अंतर्गत आ जाती हैं, मतलब कि अपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत। अपांगी में बेटा कुल 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें कि 30 और 30 मतलब 60, इसमें मतलब कि 60 हाथों में हो गई और 60 पैरों में हो जाती हैं। 60 हाथ में होती हैं और 60 पैर में होती हैं बेटा, याद रखेंगे। अब देखिए जो 60 पैर में होती हैं उसमें और हाथ में आप समानता देखने को मिलेंगे। उसके पहले आप जान लें कि कंधे में 2 हड्डियाँ होती हैं, इधर भी उसी तरह जो हमारा ये बैकबोन होता है, पीछे बैकबोन के नीचे वाला पोर्शन, कमर के नीचे वाला होता है, उसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सल। क्या बोलते हैं, ऑक्सल बोन, OXEL, ऑक्सियल बोन, मतलब कि जो हमारे पीछे की तरफ होती है बेटा, है ना, कमर से जो नीचे की तरफ होती है, उसी से हमारा थाई जुड़ा होता है। अब देखिए हाथ की बात करते हैं तो यह होता है हमारा हाथ में, अगर देखें तो यह जो आगे ऊपर की तरफ होता है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग क्लेविकल, इसे बोलते हैं क्लेविकल, और स्कैपुला जो यह चीज़ होता है इसे स्कैपुला बोलते हैं, जो आगे की तरफ यह होती है, आगे की तरफ, है ना, यह स्कैपुला होती है और यह होता है मेरा क्लेविकल हड्डी। अब इसी क्लेविकल से बेटा यह आपका पूरा ह्यूमरस बोन होता है, यहाँ पे होता है आपका रेडियस और अल्ना, 2 हड्डी होती हैं, फिर यहाँ पे कार्पसल्स होता है, यह कार्पसल होते हैं कलाई वाले, कार्पसल्स में 8 हड्डी होती है। अब एक के बाद मेटाकार्पसल्स, मेटाकार्पसल मतलब पाम वाली हड्डी, इसमें 5 हड्डी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हड्डी यही आती हैं और यहाँ से आके कार्पसल से मिल जाती हैं। अब यहाँ पे फैलेंजर होता है, उंगली जो होते हैं फैलेंजर होता है, अगर अंगूठे को छोड़ दें, अंगूठे को छोड़ दें, क्योंकि यह कैसा जॉइंट था बेटा, अभी बताया था सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो छोटा होता है पीवेट से, पीवेट नहीं बाल एंड सॉकेट का छोटा भाई होता है, कह लीजिए, जो कि हर तरफ घूम जाता है, है ना। अब देखिए इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 × 12 और इसमें 2 × 14 हो गया, इस तरह 30 और 30, 60 हड्डी हो गई। ह्यूमरस हड्डी, अल्ना रेडियस हड्डी, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स और फलेंजर, 1 यहाँ पे 2, 1, 3 यहाँ पे, 3, 3 और 8, 8, 2, 10, 11 हड्डी, 11, 5, 11, 5, 16 हड्डी और 16 और 14 जो फलेंजर होते हैं 30 हड्डी, 30 और 30 मिला के 60 हो गए। 2 यहाँ पे था, कौन सा, क्लेविकल और स्कैपुला, 2 इधर 2 इधर, तो 30 30 60 60 और 4 60 4 64 हो गया, 64 हो गया। इसी तरह पैर की बात करते हैं तो पैर में ऑक्सल बोन होता है, 2 ऑक्सल बोन हो गया, 2, ठीक है। और नीचे जो होता है आपको बोला जाता है थाई का बोन, थाई बोन मतलब कि फीमर, जो कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी बोन होती है, इसे फीमर बोला जाता है, फीमर हो गया। उसके नीचे जाएंगे जो घुटना होता है ना, उसे पटेला बोलते हैं, पटेला हो गया। इसके बाद अगर नीचे और जाएंगे तो उसमें भी 2 हड्डी होती है, एक फिबुला होता है, एक टिबिया होता है। फिबुला पीछे वाली हड्डी होती है, पतली हड्डी होती है, और टिबिया आगे वाली हड्डी होती है, जहाँ पे चोट लगता है ना तो बहुत तेज दर्द करता है, है ना, आपको पता होगा कभी धक्का वक्का लगा हो ना तो बहुत काफ़ी तेज दर्द करता है। इसके बाद उसके नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे कलाई में था उसी तरह पैर में जो ऊपर वाला होता है ना, टखना, टखना के थोड़ा सा पास वाला, उसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, टॉर्सल। अब टॉर्सल के नीचे जैसे पाम की हड्डी थी उसी तरह मेटाटॉर्सल है, मेटाटॉर्सल में भी 5 हड्डियाँ होती हैं, उसे बोलते हैं जो पैर का पंजा होता है वह। फिर जैसे कि उंगली में था 14 हड्डी, उसी तरह पैर की उंगली में 14 हड्डी हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिक्कत होगा, जैसे कि रिस्ट में हमारे 8 हड्डी हैं, लेकिन पैर वाले अगर रिस्ट की बात करेंगे, टखना की बात करेंगे, तो वहाँ पे 7 हड्डी होती है, तो 7 और जो फिबुला टिबिया होता है 7 × 2 = 9, एक थाई की हड्डी 10। अब नीचे फलेंजर आ गया 14 10 और 14 24 हो गया। इसके बाद 5 हमारा उसमें हो जाता है, पाम में हो जाता है, और एक उधर, मतलब कि 5 इधर हो गया, पूरा जोड़ लेंगे आप। देखिए पहले कैसे, आपका थाई वाली हड्डी 1 हो गया, थाई और टिबिया फिबुला 2 हो गया, तो 2 × 1 = 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, एक पटेला हो गया 4, इधर 4 हो गया, और फलेंजर जो आपका नीचे होती है पंजे की 14 14 4 28 हड्डी। 28 के बाद बेटा जो आपका टॉर्सल होता है उसमें 7 हड्डी होती है, 28 × 2 = 30, 28 हो गया जी 2, एक मिनट फिर से जोड़ते हैं, 14 × 4 = 18 हो गया बेटा, 28 कहाँ से होगा, 14 × 4 = 18 हो गया, 18 और 7 18 × 2 = 20, 20 और 5 = 25, 25 और जो पंजे की हड्डी होती है 5 वह जोड़ लीजिए,
25 5 30 इस तरह 30 30 मिला लेंगे 60 हो जाएगा, और दो ऑक्सल जो कमर के नीचे वाली हड्डी होती है तो वह हो गया आपका 30 30 60 दो 62 वहाँ पे हो गया, अभी 64 ऊपर हम लोग कितना जोड़े थे 30 30 60 और दो यहाँ पे दो दो चार कितना हो गया आपका 64 ऊपर हो गया, 64 और 62 कितना हो गया 126 हो गया बेटा। यह हो गया आपका किसमें अपेंडिकुलर सॉरी अपांगी कंकाल तंत्र, ठीक है याद रखेंगे। यही रहा बोन का प्रोसेस और सारा जो हमने आपको बताया ये आप नोट कर लेंगे, आपको हर जगह काम देने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज ये आपका चैप्टर तीसरा खत्म होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह ना सोचें कि आपको यहाँ पे पूरा फुल सिलेबस नहीं दिया जाएगा, सारे क्लासेस चल रहे हैं आप देखिए वहाँ पे। और अभी तक अगर ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको आपका रिजल्ट आने के बाद आपको मिल जाएगा, आपका हिंदी के क्लासेस टेट के चलाए जाएंगे, टेट के सारे क्लासेस वहाँ पे चलाए जाएंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी हिंदी की क्लासेस वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप दोनों तरीके से देखिए, जितने भी जीके जीएस के जाते हैं अगर देखने का मन हो तो देखिए, नहीं तो फिर आप क्या काम करेंगे बेटा, हिंदी की क्लास जरूर देखेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं बेटा, ठीक है ना, और फेसबुक पे शेयर करें, जहाँ भी आपका जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं, आपका प्यार वगैरह बना रहेगा तो हमेशा हम लोग एक्टिव रहते हैं बेटा, बस अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमसे। धन्यवाद।